लटेरी सुरंग से गिरफ्तार हुआ पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष का बेटा। लटेरी सुरंग पुलिस ने भोपाल की ओर आ रही कार की चेकिंग की और उसमें सवार तीन लोगों पर धारदार हथियार एवं देसी कट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने पर भोपाल की ओर से आ रही एक अल्टो कार की चेकिंग की गई तो उसमें सवार नरेश सक्सेना के पास से देसी कट्टा एवं उसके साथी सुनील मीणा एवं विजय साहू से धारदार हथियार बरामद किए गए। सर, जो रात्रि में अवैध हथियार जब्त हुए हैं, क्या मामला है? ये मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अल्टो 800 कार, इसका नंबर MP40CA7228 नंबर है, ये भोपाल तरफ से आ रही है। तो इसको हम लोगों ने चेकिंग के दौरान जटाशंकर महादेव मंदिर के पास जो घाटी है आम रोड पर, वहाँ पकड़कर चेकिंग की तो इसमें तीन व्यक्ति बैठे हुए थे, नरेश सक्सेना, विजय साहू और सुनील मीणा। तो विजय साहू जो गाड़ी मालिक है उसके पास से हमें एक धारदार चाकू मिला, सुनील मीणा के पास एक धारदार चाकू मिला और नरेश सक्सेना के पास एक 315 बोर का कट्टा इनके कब्जे से मिला। हमने 25-27 आर्म सेट और 25-1 आर्म सेट का मुकदमा इन तीनों विरुद्ध कायम करके इनको माननीय न्यायालय में आज पेश किया। इसमें से एक लटेरी पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष मीराबाई सक्सेना का लड़का नरेश सक्सेना भी है। लटेरी से ग्राउंड रिपोर्टर जितेंद्र जोशी की रिपोर्ट।